हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, सभी लोग लाइव आ जाओ। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और अपने दोस्तों को भी बुला लो। चलो, हम जो है आज क्रॉसवर्ड पजल करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री वर्सेस बायोलॉजी की। मेरा नाम है यामिनी टुकराल और मेरा नाम है श्रेया। तो हम लोग जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्रॉसवर्ड पजल लेके आए हैं। तो हम देखेंगे कि मैम कौन जीतता है, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। बिल्कुल मैम, मुझे तो उम्मीद है मेरे में जीत जाएंगे बच्चे। तो चलिए, एक बारी सेशन को एक बारी शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो, ताकि हम जो है मजेदार सी क्रॉसवर्ड पजल स्टार्ट कर पाए। अच्छा तो मैम बच्चे कैसे करेंगे? बच्चों को थोड़ा सा बता दीजिए क्या सीन रहेगा। सो मैम, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर एक क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है मैम। उस क्वेश्चन का पहले बच्चे आंसर बताएंगे और उस आंसर को एक क्रॉसवर्ड पजल के अंदर खोजेंगे। अच्छा मैम, मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे रोज होंगी तो फिर बच्चे हाँ देख के बता हाँ हाँ देंगे यहाँ पे रोज भी लिखी होंगी और यहाँ पे कॉलम्स भी लिखे होंगे, हाँ। और बच्चे जो है हमें इजीली और बता मैम बच्चे देंगे। आना शुरू हो गए हैं। हेलो वाओ, कुमार, अनिता एंड पवन, अनामिका, बलविंदर, बलविंदर रिजल्ट को रखो साइड में, अभी पहले नेक्स्ट हम वीक। लोग रखते हैं पजल मैम को। वैसे नेक्स्ट वीक तक एंड आने की पूरी पूरी वो है। मैम मुझे क्या लग रहा है ना, इन लोगों का संडे अच्छा जाने वाला है। संडे को आप लोग पार्टी करना, ठीक है भाई। ये हाय हाँ, अंकित, हाय रिजल्ट कब अंकित, आएगा? पहले आप नेक्स्ट लोग वीक। पजल्स में ना बच्चे अच्छे आंसर करना। देखो मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरी टीम जीते, और उसके लिए मैंने थोड़ी चीटिंग करी है। चीटिंग क्या करी है ना मैम, मैंने आपसे सरल क्वेश्चन डाले हैं जिससे कि मेरे बच्चे फटाफट पर बता मेरे बच्चों ने ना अभी पढ़ा था, वो वन शॉट में परसों जो हमारा लाइव हुआ था, बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसी में से मैंने क्वेश्चंस उठा के डाले, तो बलविंदर। मेरे लिए भी हो जाएगा। हेलो सिमी, बलविंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखो क्या चाहते हो, संडे आपका अच्छा जाए ना, तो फिर बस उम्मीद करो कि संडे के बाद मंडे को आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। बाकी हम क्या ही कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे, राइट। मेंटी नहीं, आज क्रॉसवर्ड पजल गेम्स खेलेंगे हम लोग, और आपको जो है हम लोग यहाँ पे लेबल करके देंगे रो नंबर, कॉलम नंबर। आप हमें बताएंगे कि कौन सी रो से लेके कौन सी रो तक का वो वाला वर्ड है, या फिर रो और कॉलम कंबाइंड करके बताएंगे कि वो वर्ड कहाँ पे आ रहा अच्छा है। आयुषी मैम आपको, सॉरी यामिनी मैम आपको एक चीज ध्यान है। यामिनी मैम एक चीज ध्यान है आपको, जब पहले न्यूज़पेपर आता था तो उसमें इस टाइप के बनकर आते थे और हम लोग उसमें से यू नो नाम्स निकाला करते थे, ध्यान है कि नेमिंग। ये वही वाला गेम है कि हम मेरे यानी केमिस्ट्री के और मैम के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन होंगे, और इसमें ना इस शीट में आपके आंसर्स छिपे हैं। अब आपको आंसर्स बनाने हैं, फिर आप आंसर कैसे बता सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। या तो आप चैट बॉक्स में डायरेक्ट आंसर लिख देना, और बच्चे हो सकता है आपको आंसर रटा हुआ हो तो आप लिख दोगे डायरेक्ट, इसलिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैम इस रो में इस कॉलम में हमें यहां से मिल गया, यहां तक आंसर। राइट। तो हम आपका वेट करेंगे। थैंक श्रेया यू। मैम जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद। अनीशा ने बोला श्रेया मैम जिंदाबाद। एंड ओके, यामिनी मैम भी जिंदाबाद भाई। बायोलॉजी विल विन, देख लो आयुष आयुष बिल्कुल जीतेगी। चलो देखते हैं कौन जीतता है। देखे जरा, देखो बायोलॉजी जीते चाहे केमिस्ट्री जीते, जीतेगी तो पीसीएम, है ना मैम, पीसीबी, सॉरी पीसीबी, पीसीएम नहीं, जीतेगी तो पीसीएम, पीसीबी, है ना। पीसीबी और जीते। हमारा टारगेट है कि पीसीबी जीते। तो भाई सेशन को फटाफट से लाइक कर दो आप लोग। कौन से चैप्टर का रवि, ये टर्म ऐसा देखो टर्म टू में से ही उठाया। देखो मेरे जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के डाले हैं, और मैम ने जो है ओवरऑल जो है जनरल बिल्कुल क्वेश्चंस डाले जनरल हैं। क्वेश्चंस डाले हैं कि बिल्कुल आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, वरना आप लोग फंस जाओगे केमिस्ट्री के नाम लेते लेते। अच्छा फिजिक्स क्लास में प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। सही बात, सही बात। अनामिका ने बोला यामिनी मैम जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, यामिनी मैम बिल्कुल जिंदाबाद। और अब जब आप आंसर सही करोगे ना तो फिर पक्का जिंदाबाद। चलो चलो प्लीज चलो, मैम शाउट आउट। ओके ओके ओके, मैं देख शाउट आउट। सैम सैम, अनामिका, अंकित, रवि, अनीशा, आयुष, अनीशा, अंकित, गाइस जितने भी लोग हो, चलो भाई प्रॉपरली हम लोग सेशन को एंजॉय करते हैं और अब आंसर की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। चलो तो मैम चलते हैं। एक मिनट। ओके यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का आया है और मुझे उम्मीद है इसका आंसर आता होगा, क्योंकि हमने थर्सडे को ये वन शॉट के अंदर देखा था। जो विडाल टेस्ट होता है वो क्या कंफर्म करता है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग जो एक बारी स्क्रीन को देख लो कि विडाल टेस्ट जो होता है वो क्या कंफर्म करता है, पहले इसका आंसर और फिर उसको इस क्रॉसवर्ड के अंदर ढूंढ के और हमें बताओ कि कौन सी रो और कौन से कॉलम के अंदर वो आंसर है। बच्चों देखो इसमें ना मैम ने छिपा के रखा हुआ है अपना आंसर, तो आप इसमें से आंसर ढूंढो और बता दो कि मैम कॉलम 7 में रो 6 में आंसर मिल गया, ऐसे करके आप बता दो फटाफट। हाँ तो विडाल टेस्ट, पहले तो मुझे आंसर बता दो कि क्या कंफर्म करता है, और उसके बाद में रो और कॉलम का जो है मुझे बता देना। श्रेयन यामिनी मैम जिंदाबाद, वेरी गुड, ऑल जिंदाबाद, वेरी गुड, जिंदाबाद। बच्चे सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
क्योंकि भाई हमको क्या करना है, अपनी टीम को जिताना है। नहीं, हम बायोलॉजी को जिताए, पीसीबी। मैं क्या चाहती हूँ, टाई जाए। हाँ, फिर तो मजा ही आ जाए। फिर हम सर फिजिक्स वाले सर को लेके आएंगे, एक क्वेश्चन वो टाई ब्रेकर का डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड अंकित। अंकित ने तो आंसर भी कर दिया। अब मुझे इसके अंदर से ढूंढ के बताओ कि कहाँ पे है। बच्चों मुझे मिल गया, मैं आप लोगों की टीम में हूँ। जब बायोलॉजी का, जब बायोलॉजी का नंबर आएगा तो मैं आपकी टीम में पार्टिसिपेट करूंगी। और केमिस्ट्री का आएगा तो मैं करूंगी, केमिस्ट्री में आएगा तो मैं करूंगी। मुझे मिल गया, मैं बताऊंगा। अभी रुको, सबका आंसर आने दो। सोनू, अंकित, अनुप्रिया, सब गाइस आंसर भी करो भाई। रो और कॉलम भी बताओ, रो और कॉलम भी बताओ कि कहाँ पे जो है रो और कॉलम्स आ रहे हैं। आयुष, अंकित, जितने भी लोग आंसर कर रहे हो गाइस, अब आप लोग इसमें सर्च करके बताओ। मुझे पता है आप लोगों को रटा हुआ था, तो आपने फटाफट आंसर कर दिया। बताओ बताओ। C7R4। C7R4 आ गया, फर्स्ट करेक्ट आंसर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। वेरी गुड सैम कुमार, और जिसने सही आंसर किया उनका भी, आयुष, आयुष का भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। शॉर्ट कर देती हूँ, कौन कौन किया, सैम है, दीपू है, आयुष है, सैम, अंकुश, अंकित, गाइस परफेक्टली राइट आंसर, एंड सिमी भी, अंकित, अंकित भी आ गया, अंकित भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। So the immunity of young children, it is more than adults because of the presence of, जो young children के adults से ज़्यादा immunity होती है वो क्यों होती है, कौन से gland की वजह से होती है। इतना बड़ा hint मैं तुम्हें दे रही हूँ, कौन से gland की वजह से immunity ज़्यादा strong होती है children की। कौन से gland की वजह से immunity ज़्यादा strong होती है, पहले तो उसका answer ढूंढो कि जो old age में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैम आपको पता है कि एक gland होता है हमारे अंदर जो चाइल्डहुड में ज्यादा होता और है, एडल्ट्स में और कम हो जाता है, और हाँ, तो वो वाला ग्लैंड है जो, वो बताना है हम लोगों को कि वो क्या होता है। पहले तो आंसर बताओ और उसके बाद में ढूंढ के बताओ फटाफट से। मैं, मुझे मिल गया, जल्दी से आंसर करो। अंकित, सैम, सिमी, दीपू, अनुप्रिया, अनन्या, जितने भी बच्चे हैं गाइस आंसर करो, एंड सेशन को भाई लाइक कर दो। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, लाइक करते रहो। और यस मैम, मैं बैक वेंचर लीगेंड। हाँ अंकित, पता है जब हम भी ट्वेल्थ में थे तो हम भी बैक वेंचर्स थे, इसमें कोई शक नहीं। और उसका रीजन ये नहीं था कि बैक बैठ के पढ़ाई नहीं करनी होती थी, हमारे यहाँ जो मतलब क्लास था वो स्टेडियम वाला था, तो हम सबसे ऊपर जाके बैठते थे, तो हमें बहुत मजा आता था। एम्फी थिएटर टाइप जो स्टेयर्स लगी हुई होती है, वैसा था क्लास। ओके, वेरी नाइस, ऊपर जाके मैम बैठा करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आंसर करो कि कौन सा ग्लैंड होता है और वो कहाँ पे है। दिव्या, अंकित, गाइस आंसर करो। आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऋषभ, वेरी वेलकम ऋषभ। ऋषभ को मैं समझा देती हूँ मैम क्या हो रहा है। मैम आप पकड़े रहो, इसमें क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। ऋषभ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं एक खेल, है ना, इट्स अ गेम, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे का डे, आई नो संडे की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हम मैम ने प्लान ये बनाया कि क्यों ना बच्चों को कुछ खिलाया जाए। तो मैम और मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हैं, और हमने उसके पजल आपके लिए तैयार किए हैं। अब आपको कल लगाना है और इसमें से खोज निकालने हैं सही आंसर। क्वेश्चंस ऊपर लिखे हैं और इसमें आंसर्स ढूंढने हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम को कैसे बताएं कि मैंने ढूंढ लिया है, तो आप बताओगे कि मैम रो सिक्स, कॉलम 16 में, रो 17 में या फिर रो 7 में आंसर है। कुछ इस तरीके से आपको आंसर ढूंढ के हमको बताने हैं, राइट मैम? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। कमेंट भी कर सकते, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि पहले तो आंसर क्या है क्वेश्चन का और उसके बाद में उस आंसर को इसमें खोजना है। जल्दी से इस आंसर, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज हो गए हैं। नहीं मैम, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है बच्चे, बिल्कुल सही। पारस आंसर करो भाई, हमें बाद में देख लेना वो बात की बातें हैं। हाँ, सब कुछ बाद में आएगा। ओके, ऋषभ को भी समझ आ गया। चलो मैम एक बार साइड हो जाते हैं, आंसर कर दो, हम साइड हट जाते हैं। मैं, वेरी गुड, अंकित का तो आंसर आ गया। अंकित अब मुझे ये ढूंढ के बताओ कि कहाँ पे होगा। आप तो मैम देखो केमिस्ट्री की होके भी इतनी जल्दी जल्दी ढूंढ रही है। केमिस्ट्री के हैं इसलिए मैम, जो आप बना रहे थे ना, तो मैं तो आंसर सुन रही। ओके ओके, आंसर ठाकुर, ऑल आई मीन वो ऋषभ पारस, अंकित, अंकित, गाइस आंसर करो, कुमार, अंकित, अनामिका का भी आ गया आंसर। बच्चे ये जो है ग्लैंड का नाम आप इसमें खोज सकते हो, ढूंढ के बताओ मुझे कहाँ पे है आंसर, कहाँ पे है। ओके
ओखी ओखी ओखी। यस लीना, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या आंसर मिल रहा है? या फिर मैम हम लोग जो है ये आगे चले? हाँ मैम बिल्कुल, ठीक है आगे चलते हैं। अरे वाह, एक सेकंड एक सेकंड, ओ मेरी स्पेलिंग एरर हो गई एक बार। कोई नहीं मैम, ये सब तो चलता है, तो आ गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मैंने आपको बताए थे कि क्या होते हैं। मैम आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीज कौन से होते हैं? सबसे कॉमनली जो हम लोगों को अक्वायर हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया। तो अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा कॉमन जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कौन सा होता है जो कि कॉम्युनिकेबल होता है? इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो कि कॉम्युनिकेबल होते हैं। तो कौन सा ऐसा डिजीज है जो बहुत इजीली जो है कॉम्युनिकेट करने से हो जाता है? जो कि गाइस आजकल मैम हाँ हाँ बच्चे, वो पिछले वाले में स्पेलिंग एरर हो गया था, बाकी ठीक है। यस यस यस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो इस वाले में द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज, जब हम इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉमनली हमें कौन सा, हमारा कौन सा जो है डिजीज हमें एनकाउंटर होता है जब सीजनल चेंजेस आते हैं? जब सीजनल चेंजेस आते हैं तो कौन सा डिजीज हमें बहुत जल्दी लग जाता है? वो वाला डिजीज जो है हमें बताना है, और वो इजीली जो है ट्रांसमिट हो जाता है, वो वाला डिजीज बताना है। तो ढूंढ के बताओ कि क्या है। आयुष का मैसेज आया कोविड। अरे नॉर्मली आजकल तो कोविड हो रहा है ना, आजकल नहीं है, टेंशन मत ले, आजकल तो कोविड हो रहा है ना, बट वैसे कॉमनली हमें कौन कौन सी चीजें होती है? या अनामिका ने सही बोला, पार्शियली अनामिका का करेक्ट है, वेरी गुड। सिम्मी का बिल्कुल करेक्ट है, अनामिका सिर्फ कोल्ड, उसके अकॉर्डिंगली तुम जो है इसके अंदर से ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे होगा। वेरी गुड, रितिका ने बिल्कुल सही किया, रितिका ने तो बिल्कुल सही दिया है आंसर। रितिका शर्मा भी शी जॉइंड। अरे वाह, ओके बिल्कुल सही आंसर है रितिका का। अब उसी वर्ड को लेके इसके अंदर से ढूंढना है। देख लेते हैं एक बार मैम, बच्चों ने आंसर तो पार्शियली बिल्कुल सही दिए हैं, अंकित का भी आंसर आ रहा है, रितिका C15R11 C15R11 वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही आ गया है C15R11 वेरी गुड। रितिका कुमार शिवांश सबने आंसर जो है बहुत अच्छे से करेक्ट किए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे वाह आगे केमिस्ट्री की बारी, देखो यार रख लेना यार सुनो। हाँ संध्या मौर्य सिमी अंकित, अब देखो केमिस्ट्री शुरू हो गया, चलो देखते हैं कितने सही आंसर, कितनी जल्दी आप लोग करते हो। देखो नाम रोशन करना है आपने से मैम का किया अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। वो कौन सा आपका मेटल है जो कि नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में रहता है? मैम साइड हो जाइए, बच्चे ढूंढ ले, मुझे तो मिल गया मैम। बच्चे आंसर करो, बच्चे आंसर, केमिस्ट्री भी कराओ मैम। अरे यार ये केमिस्ट्री तो है नॉर्मल टेम्परेचर पर आपको बताना है नॉर्मल कंडीशंस में। अरे वह आंसर आ गया, अंकुश का सबसे पहले आंसर आया कोरोना, श्रवण कह रहे हैं कोरोना, आयुष ओके आयुष बिल्कुल सही आंसर। चलिए बच्चे अब ढूंढ भी लो, अब ढूंढना है इसके अंदर से जल्दी से केमिस्ट्री जो नॉर्मल कंडीशन में भी लिक्विड स्टेट में है। ओके जुकाम, श्रवण कह रहे हैं जुकाम, देखो नॉर्मल कंडीशन में भी लिक्विड स्टेट में आपसे एलिमेंट और मेटल की बात की जा रही है, तो भाई ये जुखाम वुखाम छोड़ो आंसर करो। एक ही बच्चे का आंसर दो मैम, रोजीना, रितिका का है R6C11, रोजीना का बिल्कुल सही है और रितिका कह रही है R6, मैम करके देख लो, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रितिका। रितिका सिमी अंकित एंड रोजीना अनामिका, बहुत सही लोगों ने आंसर किया है मैम। सबसे पहले कमेंट में आयुष ने किया है और इसमें रितिका ने किया है, कुमार अनामिका सबने, वेरी यस वेरी गुड। चले चलो नेक्स्ट। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग भाई मेरा नाम रोशन कर सकते हो, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया मैम। देखो मैं चलती हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मेरे एक में स्पेलिंग एरर था उसकी वजह से उसमें लेट हो गया मैम, बच्चों की गलती नहीं थी, हमारी गलती थी राइट। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट जल्दी से ढूंढो, जल्दी से, बहुत कॉमन क्वेश्चन है गाइस। सिमी का आंसर मैम आ चुका है, पूजा मौर्य का आ गया, अंकुश का आ गया, नामिका का आ गया है। देखो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है,
कॉमन नेम पूछा गया है, बहुत आसान है, जल्दी से बता दो ढूंढ के। मुझे लगता है कि तुम लोग बता ले जाओगे, है ना? जीके में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। बताओ 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 मैम, टुडे बॉयज टॉपर। यस अंकित, बॉयज टॉपर। यस यस यस। भाई लड़कियां पछड़ेंगी नहीं, चिंता मत करो। ठीक है अंकित, आंसर करो। बेकिंग सोडा, बिल्कुल सही बात है। आयुष ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बेकिंग सोडा। लीना आप थोड़ा लेट हो गए, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हमसे पूछा गया सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज। अंकुश ने, आयुष ने आंसर कर दिया है बेकिंग सोडा। अब आयुष के आंसर का तो मात तो एकदम सही है। आयुष, अंकित, सैम, लीना एकदम सही आंसर कर रहे हो गाइस, परफेक्टली राइट आंसर बेकिंग सोडा। अब ढूंढ लो, मैं हम पर लोग हट जाते हैं साइड। मुझे मिल गया मैम, अब बच्चे ढूंढ लें, है ना, फिर अपन लोग दिखाएंगे। सही में मैम, तो भाई मुझे तो नहीं मिला गाइस, आप लोग ढूंढ के मुझे बता दो कहाँ पर है बेकिंग सोडा। रोजीना भी ढूंढेगी, दिव्या भी ढूंढेगी। अच्छा ये मरकरी पे, अभी दिव्या मरकरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 खोजो। C15 में, वो भी करना मत आप। C15 में कहा आयुष, रितिका, अंकित, रोजीना। जोकर ह्यूमन, ये कौन सी क्लास है? जोकर ह्यूमन ये मस्ती की पाठशाला है, इसमें हम लोग खेल खेल में पढ़ाई सिखा रहे हैं। यस यस यस, बिल्कुल। सिम्मी ने भी आंसर, तो सबसे पहला आंसर मैम आया था, अनामिका ने बस कॉलम बताया था, पर सैम ने पूरा आंसर दिया था, तो सैम को क्लैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड एज। सैलिसिलिक एसिड किस में यूज किया जाता है? बताओ बताओ बताओ, बहुत कॉमन है मैम, अपन लोग साइड में हट जाते हैं। देखो ये नॉर्मल सी बीमारी होती है, पढ़ाई के नाम पर क्या होता है उसी का पढ़ाई के नाम पे बच्चों क्या होता है? मम्मा का सेंटेंस ध्यान है, पढ़ाई के नाम से तुम लोगों को तो डैश डैश होने लगता है। अब उसको पूरा कर लो और तुम्हें पता चल जाएगा। सर, सर, सर। हाँ जी आंसर मैम, बच्चों के आंसर आने लगे। दीपू कह रहे हैं C15R11, ये क्या है? पिछले वाले का ही चल रहा है मैम, ये पिछले वाले में पहुंच गए। चलो मैम पिछले वाले बच्चे, देखो आगे का तुम लोग ढूंढो, मैं पिछले का शॉर्ट आउट कर देती हूँ। दीपू, अमल, दिव्या सिंह, सिमी, जोकर, रोजीना, अंकित, रितिका, आयुष, कुमार, लीना, गाइस सबने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। अब जल्दी से मुझे बता दो, कुछ हिंट दो। अमल कह रहे हैं कुछ हिंट दो। बच्चों घर पे तुमने सुना होगा, जब तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? पढ़ाई के नाम पे तो तुम्हें डॉट 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 होने लगता है। बिल्कुल सैम सही जा रहे हैं मैम, देखिए है ना, थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो, पर अभी भी ट्रैक पर नहीं आए हो। मैंने इतना ज्यादा एग्जाम्पल मतलब हिंट दे दी कि आपको सैलिसिलिक एसिड पूछा गया है। यार सैलिसिलिक एसिड किस में यूज किया जाता है? पढ़ाई पे चक्कर आता है। अनामिका सही जा रही हो, थोड़ा सही जा, काफी हद तक सही जा रही हो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और जा, थोड़ा सा और। टीयर गैस, अच्छा रोना नहीं, सैलिसिलिक एसिड टीयर गैस कैसे हो सकती है? बच्चे इस पे मैं आपको रिलेट करा रही हूँ, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड की बात हो रही है ना। सैलिसिलिक एसिड आपका मेडिसिन में किस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, मैं उसको ध्यान दिला रही हूँ आपको। मेरी माँ बहुत बोलती थी, पढ़ाई के नाम से तो तुम लोगों के डॉट 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 होने लगता है। मुझे लगता है मैम ये थोड़ा टफ हो गया। रिंग, रिंग बॉम्ब इंजेक्शन, ये क्या था? ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया भाई। अंकित तुम बायोलॉजी हर जगह नहीं लगानी होती, केमिस्ट्री में बायोलॉजी बहुत कम लगती है। तुम रिंग बॉम्ब से कैसे करोगे ये बताओ मेरे को, और ये रिंग बॉम्ब में कैसे यूज होगा? एनेस्थीसिया। अरे भैया ये तुम लोग कहीं नेक्स्ट लेवल जा रहे हो। अच्छा मैं बता देती हूं, एक्सप्लेन कर देती हूं गाइस, पढ़ाई के नाम पे सर दर्द होने लगता है, समझे? तो सर दर्द को खत्म करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेन किलर। तो पेन किलर कहाँ पे था हमारा मैम? C3 C12R9 C12R9 तो पर थोड़ा सा टफ तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि केमिस्ट्री वाले फटाफट से आंसर करते रहेंगे। ठीक है तो ये क्या है? पेन किलर। क्लियर, नेक्स्ट। सो द एंटीबॉडी दैट क्रॉसेस द प्लासेंटा, वो एंटीबॉडी जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करती है, कौन सी टाइप की एंटीबॉडी होती है? कौन से टाइप की एंटीबॉडी होती है? बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा, इतना बड़ा हिंट दिया मैंने,
कि जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहते हैं, पढ़ाई के नाम खेलने को बोल दो तब तो कुछ नहीं, पढ़ाई के नाम से तो डैश 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 होता है, पढ़ाई के नाम से तो सर दर्द होता है, तो बस समझ जाते आप। हाँ मैम, ये बच्चों ने क्या आंसर किया, व्हाट इज C12R9। वो तो वही पिछले वाले का ही आंसर कर रहे हैं यार। चलो हम लोग पॉज कर लेते हैं मैम, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। प्रशांत आ चुके हैं, प्रशांत यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का पजल है ना, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और आपने इसमें से नाम बनाना है कि कहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है एंड आप वो रो और कॉलम हमको बता दोगे। पहले पहले क्वेश्चन का आंसर इधर देना है, उसके बाद में उसको इधर ढूंढना है और उसका सी और आर हमें इधर मेंशन कर देना है, तो हम आपका जो है शाउट आउट कर देंगे कि किस किसने जो है आंसर जल्दी किया है। तो सबसे पहले मैम आंसर आ गया, सैम का, अंकित का, दोनों का आंसर आ गया, मुझे इसके अंदर से ढूंढ के बता दो। मुझे इसके अंदर से ढूंढ के बता, आयुष का भी आ गया, वेरी गुड मैम, देख रहे हो आप मेरे बच्चे कितने तेज हैं। बिल्कुल मैम, सुपर फास्ट है बच्चे तो। हाँ अब मेरे को ये ढूंढ के बता दो कि ये कहाँ पे लिखा है, मुझे तो मिल गया, मिला मैम मुझे तो मिल गया, C4R3 सैम का मैसेज आ गया है जो कि एकदम करेक्ट है। IgG मैम आपको पता है कि वो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है वाली एंटीबॉडी। क्या होती है मैं तो यही नहीं जानती भाई। मदर और फीटस को जो कनेक्ट करता है उसे प्लासेंटा बोलते हैं। मैं बायोलॉजी पढ़ाओ, अब बताओ क्या होता है मदर और फीटस, क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। किस किस ने आंसर कर दिया था, सैम ने सबसे पहले किया, देन कुमार, देन आयुष, देन प्रशांत, देन सिमी, लीना, लीना ने बोला फीवर, इनको पढ़ाई के नाम से फीवर होता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर किया है। सो अब मैम अब इन सबके लिए एक क्वेश्चन है, हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड ना फेमस फेमस साइंटिस्ट की फोटो दिखाएंगे, इनको उनकी आंसर करना है कि नहीं, सिर्फ उनका नाम बताना है कि ये क्या है, कौन है। हाँ सीधा सीधा से नाम बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट जो है हम साइंटिस्ट, और अगर आपने नाम सही बता दिया तो फिर हम पूछेंगे कि इन्होंने कौन सा इन्वेंशन किया था। बिल्कुल, चलो मैम इनका चश्मा कहाँ जा रहा है, नहीं देखो तो सही, अच्छा नहीं है चश्मा, स्टाइलिश गिर रहा है। हाँ एक साइड से जॉइंट है ना। अच्छा ये बताओ कि ये कौन से साइंटिस्ट है। मैम ये चश्मा पता है कैसा है, इसमें कोई मेटल नहीं है आपके चश्मे की तरह, इसे धागा बंधा हुआ है, बस ऐसे करके बांध लो। हाँ, नहीं पर मैम एक ही जगह पे धागा, दूसरी जगह पे देखो इट इज स्टक। मैं बताऊ ये दो गोले है जिनको ऐसे करके बस बांध लिया गया है। ये देखिए लटक रहा है तो, पर यहाँ से नहीं है ना, देखो एम पीछे को हो सकता है ऐसे करके। अरे यार क्या है सिस्टम, जो भी है देख लो यार कि ये कौन है, ये कौन है। कुछ बच्चे कहेंगे मेरे दादाजी हैं, ऐसा लगते थे दादाजी। मैं आजकल के जैसा फेस नहीं लग रहा है, करंट फेसेस लग रहे हैं, ये तो इंडियन फेस लग रहे हैं काफी। मैम बच्चों का आंसर आगे बताइए ना, सही है कि नहीं मेरा तो नहीं, आयुष ने नहीं, नहीं पूजा भी गलत रहा है, नहीं आते नहीं, आयुष नहीं, पूजा नहीं, रॉन्ग आंसर है। एक बार ये ढंग से देखो ना फोटो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। अच्छा मैम किस से रिलेटेड, रोजीना नहीं, हांस क्रिश्चियन नहीं है, थोड़ा सा हिंट करिए। अच्छा वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन इन्होंने ही डिस्कवर की थी, वैक्सीनेशन इन्होंने मतलब इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था वैक्सीन के लिए। हाँ इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दूंगी, क्रिश्चियन, हैंस क्रिश्चियन नहीं, हैंस क्रिश्चियन नहीं है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, फिर तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्रिटेन साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट है, पता नहीं, देखो नकली नकली नाम नहीं बनाने हैं, बनाओ तो असली बनाओ यार, है ना। सब सोच में पड़ गए, क्या करें, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट हुक भी नहीं है। मैं मुझे आपकी बात से गाना याद आ गया, जॉन मेंडल नहीं, कुछ भी, सारे सारे नाम ले रहे हैं साइंटिस्ट के। एक तरफ एक, वेरी गुड, आयुष ने सबसे करेक्ट आंसर दिया है, लुईस पाश्चर, वेरी गुड, द आंसर इज लुईस पाश्चर। कुमार ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। या सो मैम एक को कीड़े वीड़े जो जाते चूहे वाले से कुछ, उन्होंने ये वाले तो सारे ही मैम जो जितने भी बायोलॉजी में उन्होंने सारे ने कीड़े कूड़े पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने वैक्सीन वैक्सीन बनाने में मदद की थी। नहीं एक और मैम इनका कॉमन सा, बहुत छोटे पे मैं पढ़ा करती थी 9th 10th में, इसमें मतलब कीड़े पड़ जाते हैं ऐसा कुछ करके, तो वो इन्होंने किया था लुईस पाश्चर। चलो नेक्स्ट मैम दूसरे, चलो ये बताओ कि ये कौन है, तो बहुत कॉमन है ये तो मैम, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इनको तो मैंने भी पहचान लिया, इनका चश्मा भी ठीक है। हाँ इनका चश्मा भी ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये कौन है, ये बताओ ये कौन है। हाँ जी हाई
पाए मैं। नहीं प्रशांत एडवर्ड नहीं है, एडवर्ड नहीं है, ये बताओ कि ये कौन है। एडवर्ड जेनर। जेनर नहीं है, जेनर नहीं है। उनका दादा सोल्जर। यस अंजलि, लुईस पाश्चर। यस रमन, लुईस पाश्चर। वेरी गुड। ये नेक्स्ट वाला बताओ कि ये नेक्स्ट वाले साइंटिस्ट कौन है। ये भी बहुत फेमस है मैम, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। मेरी फोटो इसमें मर्ज होती है, दिख रही है? नहीं, हम बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही ब्लैक एंड व्हाइट है और हम बिल्कुल ही कलरफुल हो रहे हैं। अच्छा ये मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, पी प्लांट। पी प्लांट का हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, अब तुम्हें ये बताना है कि क्या, कौन से साइंटिस्ट है। वेरी गुड, रमन ने आंसर कर दिया है मेंडल। वेरी गुड, आयुष ने भी आंसर कर दिया है मेंडल। तो इनके एक मैम, इन्होंने जेनेटिक्स के अंदर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। या सैम पैश्चराइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैम, अब हम लोग ना एक बारी केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट को भी देखते हैं। वेरी गुड अंकित, यस मेंडल कुमार, यस मेंडल। ये कौन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है? हाँ केमिस्ट्री की है ये। और गाइज मैं इस, चलो इनका आपको वो नहीं दूंगी क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत कम ही लड़कियां काम करती हैं। एक नाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस, मुझे लगता है आप पकड़ ले जाओगे। अरे ओ, गेमिंग लवर ने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर किया है वो। तो ये है मैडम क्यूरी मैम, है ना। और ये सच में भाई मैडम भी लग रही है, क्यूरी भी है, ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, कमाल है। तो इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? इन्होंने अपने हस्बैंड और अपने भाई के साथ मिलकर रेडियो एक्टिव की खोज की थी, राइट? तो बच्चे चलते हैं अब नेक्स्ट। आंसर आया प्रिंसेस। देखो सही, ग्रेट प्रिंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है मैम, आपका क्वेश्चन। पेपेवर सोमनीफेरम इट गिव्स राइज टू। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के अंदर से ये क्वेश्चन है कि पेपेवर सोमनीफेरम किसको गिव राइज करता है। बच्चों के पहले ये देख लेते हैं। गेमिंग लवर, अंजलि, हाँ अंकित, इन सब ने जो है सही आंसर किया है। वेरी गुड मैम। ऊपर सबसे पहले गेमिंग लवर ने आंसर, हाँ, किया। आयुष पता नहीं क्यों कह रहे, सो सैड गर्ल। किस एंगल से सैड लग रही थी तुमको? हाँ इतनी प्रिटी, इतनी ब्यूटीफुल। बात सुनो, एक बंदी जो इतनी ब्यूटीफुल है, जो इतना बड़ा मतलब यू नो इन्वेंशन कर रही है, वो क्या करेगी, वो बैठ के वो सोचेगी ना, तो सैड नहीं है, वो सोच रही है कि अच्छा अब मैंने रेडियो एक्टिव तो निकाल लिया, अब मैं दूसरा क्या करूं इन लोगों के पढ़ाने के लिए, मुझे चाहिए कि सिलेबस बढ़ना चाहिए। तो वो प्लान कर रही है कि मैं दूसरा क्या रिसर्च करूं ऐसे करके। आपको पता है ना कि हमारे एफ ब्लॉक में मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरियम नाम का एलिमेंट ऐड किया गया है, राइट? तो बस चलो, तो बताओ कि पेपेवर सोमनीफेरम कौन से ड्रग को गिव राइज करता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, सही बात है, ट्रू। भाई भाई हस्बैंड सब साइंटिस्ट। यस प्रशांत, मैडम क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। सो पेपेवर सोमनीफेरम कौन से ड्रग को बनाता है, कौन से ड्रग को बनाता है मैम? पता नहीं मैम, दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप लोग देख लो। मैम बच्चों का आंसर आया, बताओ सही है कि नहीं। कॉमन नेम बताना है, हमने कॉमन नेम बताना है, कॉमन नेम बताना है ड्रग का, ड्रग का कॉमन नेम बताना है। सो पेपेवर सोमनीफेरम किसको बनाता है? मैं साइड में हट जाती हूँ। हाँ दिख जाएगा, दिख तो जाना चाहिए, मुझे तो दिख गया। दिख गया, मुझे भी दिखा दो। बहुत सारे आंसर्स क्यों आ रहे हैं, मुझे कॉमन नेम जाना है, कॉमन नेम। बच्चों का आंसर आया मॉर्फिन मैम, सही मैम। कॉमनली जो ये ड्रग बनाता है, जो कि कॉमनली हम लोग बोलते हैं ना, स्मैक। स्मैक अच्छा, बनाता है। ओके। ये उल्टा लिखा हुआ था इसलिए किसी को मिलना नहीं था, फायदा नहीं था कि हम लोग थोड़ी देर और वेट करें। सो द ओके ओके क्रश, ये सोच के। सो टोबैको हैज डैश व्हिच स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। ये तो सबको पता है टोबैको, आई थिंक सबको पता होगा कि टोबैको के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करता है। और इसके अगर रिलीज ज्यादा हो जाए तो एडिक्शन होने लगता है, बताओ। तो ये बताओ कि टोबैको के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि एड्रेनलिन को रिलीज करता है। हाँ
हाय मैम, हाय एस कुमार। एस कुमार आप बहुत दिनों बाद दिखाई दियो। अड्डा 24/7 स्कूल आपका बहुत स्वागत करता है क्योंकि आप हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हो। एंड बच्चे यहाँ पर चल रही है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पजल। मैम लेकर आई हैं बहुत इजी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मैं लेकर आई हूँ कुछ इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिनके आप लोग सवाल के आंसर कर रहे हो और आंसर को इस शीट में ढूंढ रहे हो और आप हमको बता रहे हो कहाँ पर आपको मिल गया, राइट? और अगर आप सही बता रहे हो तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, सो आंसर सबसे पहले मनोज ने दिया निकोटीन, गेमिंग लवर ने दे दिया निकोटीन, एस कुमार ने निकोटीन, अंकित निकोटीन, आयुष निकोटीन, प्रशांत, मनोज, सिमी, वेरी गुड। सो निकोटीन आंसर सबने कर दिया है। तो दिव्या ने बोला है C6R8। ये तो इधर जा रहे, देखो तुम्हारे चक्कर में हमने आंसर भी जल्दी बता दिया और देखो तुमने गलत किया। ये मैम बहुत तेज हो गए हैं सारे, बहुत सारे क्लोज। तो निकोटीन ये जो है C15R8। मैम देखना कौन सा बता रहे थे, वो C6R8। मैम इसमें तो है भी नहीं। हाँ वही तो, कुछ है ही नहीं। हलवा, ये तो हलवा था, स्मैक लिखा हुआ था, स्मैक भी नहीं था, स्मैक भी C10 से था। तो तुम लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा तेज हो गए मैम, बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं ये। दो लोगों को पागल बनाया है बिल्कुल। और हम भी हाँ, चलो चेक कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं, मैं देखती हूँ कितने बच्चे ने आपका सही आंसर किया है। सिमी ने सबसे पहले सही आंसर किया। नहीं 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 मैम देखो ना ऊपर लिखते हैं, अंकित सबसे पहले दिया है। नहीं, गेमिंग लवर ने सबसे पहले दिया है। एस कुमार, अंकित, आयुष, दिव्या ने ऐसी हवा में मार दिया। दिव्या गलत। प्रशांत, मनोज, सिमी, गेमिंग ओवर, सैम कैफीन नहीं, निकोटीन सीक्रेट करता है वो। देखो अब तुम लोग उसके अंदर निकोटीन होता है। बॉयज आर क्लेवर एंड दिव्या बीइंग अ गर्ल इज वेरी वेरी क्लेवर। चलो आगे चलते हैं। कुमार यादव, चलो मैम ध्यान रखना पड़ेगा, ये कुछ भी करते हैं। विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? वो कौन सा आपका मेटल होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज किया जाता है? दिल लगाओ, दिमाग लगाओ और आंसर दो। दो मेटल्स होते हैं गाइस, कुछ परसेंट का होता है उनमें चेंजेस, जिसकी वजह से हमने आंसर को मतलब हाईएस्ट वाला लिखा है। 2% का डिफरेंस होता है, वरना इसके दो आंसर होते हैं। अब आप दोनों में से कोई सा भी दोगे मैं आपको बताऊंगी कि सही है। बताओ भाई। मैम पजल में तो एक ही होगा ना आंसर। मनोज कह रहे हैं पहले मैंने आंसर दिया था। मनोज अप्रिशिएटेड, अगर आपने आंसर दिया था क्लैप फॉर यू, है ना? तो भाई आंसर बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में कौन से मेटल का यूज किया जाता है, बताओ भाई। मैम हम लोग एक काम करते हैं, साइड में बैठ जाते हैं आराम से। हाँ, ये देखते रहेंगे पजल। हाँ। वैसे तो मैम ये लोग क्या मैम इजीली देख सकते हैं अगर इनको। अच्छा मैम एक चीज देखो, अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही, मैग्नेट किस में होता है आपको भी पता है मुझे भी पता है, इसमें तो अकल लगाने की जरूरत ही नहीं है कि मैग्नेट किस मेटल से बनाया जाता है। अंकित तुम्हें एक बात बताना कि वैशु नहीं आई आज, वैशु तो मेरी हर क्लास के अंदर आती है, वैशु वैष्णवी, और आज नहीं। मैम मैंने परसों इनको बोला था लाइव में कि आना है, तो कुछ हो गया होगा मैम, ये सारे के सारे फ्रेंड्स है। आयरन, कॉपर, सैम ने कॉपर बोला, कॉपर बच्चे हो ही नहीं सकता, और मनोज ने सिल्वर बोला। हद्दी कर रहे हो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेट सिल्वर की मिलने तो फिर तो हम तो गए। अब कोई गोल्ड मत बोलना आके, वरना फिर तो भाग ही जाए यहाँ से। अच्छा ये बताओ कि अभी कौन सा रो कौन सा कॉलम रहेगा? हाँ पहले मैम एक चीज बच्चों को क्लियर कर देते हैं, आप लोग कॉलर ढूंढो, सिमी का आंसर आ रहा है कॉपर, सैम का आंसर आ रहा है कॉपर। बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरीके से बनाई जाती है, एक आयरन सॉफ्ट आयरन से और सेकंड निकिल से, ठीक है? जो निकिल की बात होती है तो वो नेचुरल होती है, बट इसमें पूछा गया कैसे बनाई जाती है, तो बनाते हमेशा ह्यूमन मेड है, यानी सिंथेटिक जो मैग्नेट्स होती हैं वो आपकी आयरन से बनाई जाती है, और जो प्योर जमीन से निकलती है वो निकिल की होती है, बस ये डिफरेंस था। वैश्य भूल गई मैम। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, चलो भाई अब ढूंढ लिया क्या मैम, हम लोग भी ढूंढ लेते हैं। मुझे अभी तक मेरे को तो मिल गया मैम, मैं भी देख लेती हूँ मैम। हाँ मिल गया मैम, मेरे को भी मिल गया, अब आप लोग देख लो। हाँ बहुत सामने एकदम, बिल्कुल इनकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ध्यान से देखो बच्चे, सिमी आंसर ढूंढो, आयरन आयरन, अंजलि द्विवेदी सॉफ्ट आयरन, बिल्कुल सही है, अंजलि ने आंसर सही किया है।
सैम क्लियर हुआ ना आपको ये डाउट अपना? कॉपर का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इससे। हाँ जी, खो ये खो गए हैं क्या पजल के अंदर? हाँ खो गए हम, कहाँ वो वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। चले फिर हम भी देख ले, हमें लगा देते हैं मैम। ये देखो एकदम सामने था आयरन, और ये तो बिल्कुल सेंटर में था, सेंटर बिल्कुल। चलिए मैम नेक्स्ट। नेक्स्ट है द गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। मैम हम लोगों ने बहुत सोच के इसका लगाया था कि बच्चों को थोड़ा परेशान करेंगे, तो अब अपनी अकल लगाओ। द गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, नाम आपको आंसर तो सबको पता होगा। C12R4 पिछले वाले का बोल रहे हैं। C12R4 सही है, सही है, वेरी गुड जी। तो सैम बिल्कुल सही है, C4। रोजना ने भी सही किया। यस गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। दिव्या ने सही किया। दिव्या तुम तो चालू हो, तुम्हारे पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो दो तीन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, हमने सबसे फेमस गैस डाली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको ढूंढ लेना है। मुझे तो मिल गई, मुझे भी मिल गई, बिल्कुल आगे आ गया। और हमने बहुत अकल लगा के CO2 गाइस हमने दिव्या CO2 नहीं डाली है, नोइंगली हमने CO2 नहीं डाली है, उसके अलावा है, उसके अलावा है हमने मैम हिंट AC में फ्रिज में इन सब को यूज करने से हाँ यूज निकलती है। ये कुमार को देख रहे कौन सा बोल रहा है C23R4566 कौन सा कौन बोल रहा है? कुमार कुमार हवा में ऑक्सीजन मारी दो, तुम एक काम करो सीधे। भाई मेरी ऑक्सीजन ऐसा कभी नहीं करती। मैम कौन सी लिख रहे कार्बन मीथेन तो सही लिखा है। देखो बच्चे CFC आंसर आ गया, आंसर बिल्कुल सही आंसर। आयुष देखो CFC भी सही है, CO2 भी सही है, जो मेजर रीजन है वो है आपकी CFC है ना, तो CFC ढूंढो, मेजर रीजन ढूंढा जाएगा ना। मीथेन क्यों ढूंढ रहे हो, फॉसिल फ्यूल से होता है यार। सैम ने भी सही बोल दिया, अगर मीथेन इसका रीजन होती ना तो तुम जी नहीं रहे होते, क्योंकि सबसे ज्यादा मीथेन तो तुम ही पास कर रहे हो। अच्छा हाँ जी आंसर करो भाई। C23R4 मैम बच्चों पे भरोसा मत करना जब तक आप देख ना लो। नहीं गलत है, गलत है, गलत। किसने पहले आंसर दिया किसने, ये देखो। मैम दिव्या सिंह तो नहीं थी? नहीं रोजीना थी। भाई हवा में मत मारो, हवा में नहीं। हाँ CFC ढूंढो जरा कहाँ पर है। C3R12 बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। तालियां। इसका आंसर होना चाहिए था C1R12। कोई नहीं मैम, कुमार ने C1R12 बोला है तो कुमार का भी सही है। देखो जिसने C3 देखो मैम एक्चुअली क्या है ना, इधर से पढ़ो चाहे इधर से, बात एक है। इन सीक्वेंसेस को क्या बोलते हैं मैम बायोलॉजी में, आप बताओ, जो आगे पीछे से पढ़ने में सेम होते हैं। मैम पता नहीं क्या बोलते हैं मैम, इनको बताओ क्या बोलते हैं। जैसे हमने मलयालम का एग्जांपल देखा था, मलयालम को मैम आप आगे से पढ़ो, आप पीछे से पढ़ो, सेम है। जैसे CFC को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, ये हमारे होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। मैम ये जो आपने वर्ड बोला मैं तो बोलूंगी नहीं, जो भी है भाई ये मेरे टंग टेस्ट कर देगा, है ना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है ना, जैसे आगे से भी पढ़ो और पीछे से भी पढ़ो वो सेम जाता है, बिल्कुल सेम जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो भी था कपिल शर्मा की तरह जो भी था मैम ने जो बोला ये हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, ये हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा था, है ना। इसको थोड़ा सा आपको दिल लगा के देखो, आंसर सबको पूरे मोहल्ले को बताओगा, मुझे पता है इसका। तो मैम हमने सोचा सीमा कल लगा लेंगे ये लोग, है ना। चलो देख लेते हैं ये पजल के अंदर ये थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। ओके क्वेश्चन कहाँ उड़ गया? आ गया। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड। आयुष का आंसर आ गया, आयुष बहुत एक्टिवली जो है मैम पार्टिसिपेट कर रहा है। आयुष है, अंकित है, एस कुमार, रोजिना, मिताली ने सही बोला है, मिताली ने बोला है। सबसे पहले आंसर मैम किया है आयुष ने, और बिल्कुल सही आंसर किया है आयुष। मिताली ने भी सही किया है, तो उन्हीं के आंसर्स, जिसने भी गलत किया है उन्हीं के आंसर्स देख के उसको ढूंढ लो, हो सकता है तुम उसमें जीत जाओ। अच्छा एक चीज और है, जरा ट्राई करो। सैम ने देखो आपके वाला आंसर दिया है जो मैं आपको बता रही थी। हाँ अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। C1R3 बोला गया है मैम। राइट,
सैम मैं ना यही डालने वाली थी, फिर मुझे लगा कि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसमें। मैम देखो इसमें ना एक चीज हम लोगों ने करी थी, एक बार मेरे को पेन दो। देखो हमने ना दो पॉसिबल दो तरीके से डाला था, एक तो ये रहा, और अगर आप दिमाग लगाओ तो मैम ये यहाँ भी है R3 में, तो देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग सा रखा था तुम लोगों के लिए कि या तो तुम वैसे देख लो या फिर तुम वैसे देख लो, दोनों ही आंसर सही है। और एक चीज और है, पता है इसका आंसर सही जो एकदम ओरिजिनल केमिस्ट्री वाला आंसर है वो है हैलाइट, जो सैम ने दिया, जो सैम ने दिया और एकदम सही दिया है। मैं हैलाइट डालने वाली थी, फिर मैम ने कहा कि हर तरीके के बच्चे लाइफ में आते हैं तो हम इतना टफ वर्ड नहीं डालते, एकदम बेसिक डालते हैं, तो फिर हम लोगों ने भी बोला है मिनरल हैलाइट। बिल्कुल सही, यस। इस चीज को याद कर लो आप लोग कि इसका एक्चुअली जो और वाला आंसर है वो है हैलाइट, है ना, मिनरल हैलाइट, हैलाइट कुछ भी लिखो, ऑल गुड। बाकी सी आपका एक कॉमन आंसर है कि हमारे साथ बायोलॉजी के साथ मैथ वाले बच्चे भी आते हैं, कुछ अनदर 9th-10th वाले बच्चे भी ऐड हो जाते हैं, तो वो भी लेक्चर को एंजॉय कर पाए, इसलिए हमने इसको सी डाला था कि सी भी कॉमन है और अच्छा है। चले आगे, आगे चले। सो एंटी वेनम के अंदर क्या होता है? अच्छा मैम ये बताओ, किसी दिन सांप काटे तो उसका वेनम जाता है हमारी बॉडी में, जो उसके अगेंस्ट में इंजेक्ट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे एंटी वेनम बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? देखो दो ही पॉसिबिलिटीज होती है जब हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो या तो उसके अंदर पैथोजन होता है या फिर कोई दूसरी चीज होती है। वही दूसरी चीज होती है इसके अंदर, जिसके अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम लोग डालते हैं। तो अच्छा ये बताओ एंटी वेनम के अंदर क्या होता है? हर घर में इस टाइम नागिन 2 नागिन 3 नागिन 4 चल ही रहा है, कभी काट ले तो मैम की ये बात सुन लो ध्यान से काम आएगी। हाँ काटते काटते अगर काट जाए तो मैम ने बताया था एंटी वेनम, एंटी वेनम साफ काटा और तुम चिल्ला चिल्ला के एकदम सीरियल स्टाइल में बोलना कि वो मैम ने एंटी, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बनेगा कि बेटे ने कुछ एंटी बोला था, उसके आगे क्या क्या क्या, फिर कोई एक विलन आएगा जो उसे कंप्लीट करेगा लाइक दैट। नाग या नागिन, एसकुमार एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है। इमीडिएट जो हमें चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है हमारी बॉडी को मैम? कोई भी अगर डिजीज आती है हम उसके अगेंस्ट में क्या बनाते हैं मैगी पॉइजन। क्या एंटी वेनम के अंदर पॉइजन होगा तो वेनम बैंड बजा दो भाई, मतलब इससे अच्छे तो मैंने आंसर कर दिया यार। एंटीजन नहीं है किसी भी डिजीज को जब फाइट कर रहा होता है तो हमारी बॉडी कुछ प्रोड्यूस करती है, वो ही हमारा जो है एंटी वेनम के अंदर होता है। इतना बड़ा, वेरी गुड सैम, वेरी गुड मिताली। तो यही जो है इसके अंदर से आप ढूंढो कहाँ है, मुझे तो मिल गई, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई, मिल गई ना, देख लिया। अंकित अंकित मिताली सैम आप लोग के जो आंसर्स है वो बिल्कुल सही है, अनीशा का भी बिल्कुल सही है। तो इन्हीं आंसर्स को आपने इसके अंदर ढूंढना है, यही आंसर को इसके अंदर ढूंढना है। वेरी गुड अंजलि, ढूंढना है फटाफट से ढूंढो। मैथ से हो तो क्या हुआ, मैथ से होते तो क्या हुआ, बायो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वैसे भी लिविंग स्टडीज मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो कोई भी कर सकता है, और मैं तो मैम रिकमेंड करती हूँ कि सब देखे। शोएब का भी आंसर, सौरभ 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 का भी बिल्कुल सही है आंसर, सौरहब हब हब सौर हब। प्रशांत का भी आंसर सही है, कोई बात नहीं पता चल जाएगा क्या होता है एंटी वेनम के अंदर। तो यही जो है इसको आप इसके अंदर से खोजो कि कहाँ है एंटीबॉडीज। मैम ओ शिट अब तो पता चल गया। ओहो बस देखा ना हो इन लोगों ने, देख लिया कहाँ है आंसर इसका, कहाँ गया उसे ढूंढो। अभी आया था, अभी ये देखो मैम अभी आया था, यस 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 संध्या, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर मैम एक बार दिखा देते आंसर, आंसर लिखा है फिर से C10R3 यस वेरी गुड सैम सिमी और अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड। Next. उल्टा भी पढ़ लिया मिताली ने भी, वेरी गुड। क्लैप। सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? मैम ये तो नाम ही तो खतरनाक है, कुछ खतरनाक क्यों? मैम एक बात बताओ ना, यहाँ से तो पता चल जाएगा। हाँ। इसके लास्ट वाले वर्ड से पता चल, इसका स्पीशीज नेम से बहुत इजी है, अब मुझे पता चल गया। सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? यही करता होगा,
मैं कपिल शर्मा बन चुकी हूँ पूरी तरीके से, यही बनता हूँ। C10R3 वेरी गुड अंकित, वो पिछले वाले का, पिछले वाले का, पिछले वाले का है। तो किस किस ने आंसर दिया था पिछले वाले का? आंसर मिल गया यार, सैम अंजलि, सैम अंजलि मिताली, श्रवण, सिमी, अंकित। मुझे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। चलो चलो फटाफट से ढूंढो। यस मिताली, टाइफॉइड ही कॉज करता है। तो किस किस जो मतलब जिसने आंसर नहीं भी किया है, सौम्या ने भी आंसर सही कर दिया है, तो इसमें से ढूंढ के बताओ कि वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे लिखा है पेप्टिक अल्सर, कहाँ पहुंच गए। तो मैंने बहुत नॉर्मली चीज पूछी थी, हम बहुत जनरल खेल रहे हैं, ये नहीं कि सौरभ की हम सॉरी आयुष की हम लोग पेप्टिक अल्सर तक पहुंच जाए। अच्छा कुमार का आ गया C7R4, C7R4 दो जगह पे है, ये भी हमारा जो है दो जगह पे है। तो जिसने या तो ये भी बोला है और ये भी बोला है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, C7R4 वेरी गुड। तो आयुष, आयुष, अंकित, मनाली, मिताली, आयुष, अंकित और कुमार ने सबसे पहले किया था, तो कुमार के लिए वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये दोनों जगह पे था, जिसने ये वाला आंसर भी किया और जिसने ये वाला आंसर भी किया, ठीक है। Next. So the last question, हम लोग जो है chemistry के साथ चलेंगे। Okay. What is the main constituent of coal gas? Coal gas का main constituent क्या है? ये बताना है आपको, तो मैं हट जाती हूँ साइड में और आप लोग बताओ इसका आंसर। मैम आप बताओ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोल गैस का क्या होता है? मुझे पता है पर मैं फिर अभी बोल दूंगी। नहीं, 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 मैम इसमें ढूंढो ना आप। अच्छा मैं इसमें ढूंढती हूँ। हाँ। ओहो मिला क्या? मैम तो खोज रही हैं, आप लोग खोजो, मैं भी ढूंढ रही हूँ साथ में। हमारी टीम में मैम को हराओ। मुझे मिल गया। यस 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 यस। अच्छा मैम आपको ये पता है कि पजल कैसे देखते हैं? कि जैसे जो वर्ड होता है उसके इनिशियल अल्फाबेट को इसके अंदर ढूंढो, हाँ, और उससे हमें बहुत इजीली मिल जाता है ना। तुम लोग भी यही करते हो या फिर ऐसे ही ढूंढना शुरू कर देते हो बस? देखो भाई अभी तक वो C7R4 पे ही है। सो व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस? जो भी कोल गैस बनती है, हाँ लाइक्स, लाइक्स भी दिखने चाहिए। जो जो बच्चा अभी हमारे साथ, आयुष का आंसर आ गया है मिथेन। मैम बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है मिथेन। अब इसके अंदर जो है हमने देखना है, दिव्या को भी पता है। दिव्या तुम यू आर फूलिंग अस, तो हमें फूल करके हमसे आंसर उगलवा रही हो। नहीं अंकित बच्चे कार्बन नहीं है, मिताली का बिल्कुल करेक्ट है मिथेन। कुमार ने आंसर कर दिया है C23R4, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर कुमार ने, बिल्कुल सही, मीथेन, मीथेन, यस कुराल, वेरी गुड। मुझे पहले मिला मैम, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही बच्चे, मीथेन आता है क्योंकि कोल गैस से आपका कॉन्स्टिट्यूएंट मेन क्या होता है? मीथेन होता है, क्योंकि फसल फल जितने भी आपके होते हैं वो सारे मीथेन को ही एग्जिबिट कर रहे होते हैं। तो यस राइट, नेक्स्ट। चलो बस हो गए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हमारे हो गए खत्म और हमारे साथ आ गया है हमारा शेर। चलो बुलाते हैं शेर को। वेरी गुड, वेलकम शेर, वेलकम। हेलो 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 बच्चों, हेलो, कैसे हो सब लोग, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया सेशन करा आपने, मैं देख रहा था आप लोगों का सेशन। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी अनाउंसमेंट देने आया हूँ बस। जी सो तो मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाह रहा था, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना रहे हम इंटीग्रल्स की परेड करके, ठीक है? इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं तो मैथ्स वाले सभी बच्चे और बायो वाले भी पढ़ने आ जाना, फिजिक्स में काम आता है क्योंकि इंटीग्रल्स, केमिस्ट्री में भी काम आता है, श्रेया मैम बोल रही हैं, फिजिक्स में खूब सारा काम आता है। तो सब लोगों को इंटीग्रल्स की परेड अटेंड करने आना है सुबह 10 बजे 26 जनवरी को। आराम से खा पी के बैठना, साथ में स्नैक्स मैगी वैगी और कोल्ड ड्रिंक और पानी चाय कॉफी सब लेके बैठना, लंबा सेशन चलेगा। सर आपको बूंदी के लड्डू भी खिलाएंगे, चिंता मत करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सब कुछ खिलाएंगे। 26 जनवरी के लड्डू नहीं खिलाओगे सर? 26 जनवरी के लड्डू इनको डिजिटल लड्डू भेजूंगा मैम मैं। हाँ बना के ना इमोजीज में लड्डू भेज देना, जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे ना मैम उनको लड्डू भेजते जाएंगे, उनको थम्स अप, उनको लड्डू, उनको थम्स अप। तो सर हम भी आएंगे, बॉय स्टॉपर, वेरी गुड। ठीक है चलो भाई, चलो ठीक है। तो बच्चों सारे लोग इस सेशन में जुड़ना, थैंक यू सो मच।
तो बच्चों के लिए तालियां बजा दो, देखो कितना अच्छा पजल किया बच्चों ने आज। बहुत तगड़ा पजल किया है, तालियां तालियां तालियां। ओके रेडबुल पी के आएंगे, अंकित बोल रहे रेडबुल पी के। नहीं नहीं रेडबुल मत पी कर आना भाई, तुम क्वेश्चन करते जाना, मेरी वही रेडबुल है, क्वेश्चन करते जाना, एनर्जी अपने आप आती जाएगी। चले और मुझे भी कुछ भेज देना, मैं तुम्हें लड्डू भेजूंगा, तुम मुझे कुछ खाने के लिए भेज देना। बुद्धि का प्रसाद। हाँ बुद्धि का प्रसाद, ठीक है ठीक है। चलो बाय गाइस, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। यस और मिलना सर के लेक्चर में। मिलते हैं। ट्वेंटी एट।